इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एलईडी बल्ब को किस तरीके से रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, जैसे कि अगर सर्किट ख़राब हो तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर एलईडी ख़राब हो तो क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे डाउट्स। सबसे पहले हम ये बल्ब मैंने यहाँ पे लिया जो कि ख़राब है, और सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे होल्डर ले रहा हूँ और इसे मैं डायरेक्टली सॉकेट में डाल के, और जैसे मैं इसे फिट करता हूँ एंड मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ कि, तो मैंने स्विच को ऑन किया लेकिन गैस ये बल्ब नहीं जला, इसका मतलब कि बल्ब ख़राब है। तो गैस अब मैं वहीं पर ही एक और बल्ब ले रहा हूँ, जैसे कि आपको यकीन हो सके कि जैसे मैं अब इसे होल्डर में फ़िट करूँगा गैस, तो डायरेक्टली ये बल्ब जलेगा, क्योंकि गैस ये बल्ब सही है। तो गैस आप देख पा रहे होंगे ये बल्ब जल रहा है और आपको ब्लिंकिंग शो हो रहा होगा कैमरे में गैस, लेकिन गैस ये एकदम सही जल रहा है ये बल्ब। ओके, अब मैं इसे साइड कर देता हूँ। तो है सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, तो इसलिए आप इसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरीके से रिमूव कर दिया, और सबसे पहले मैं शोल्डरिंग आयरन की मदद से इन दोनों के तारों को भी डिशोल्डरिंग कर देता हूँ। तो गैस मैंने डिशोल्डरिंग भी कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो गैस आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, एक 9 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और एक कनेक्टर लेते हैं। एंड गैस ये वाला कनेक्टर मैंने खुद घर में बनाया। अगर आपने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो दी है, इस वीडियो को देखने का था वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गैस मैं इसे फिट कर देता हूँ, एंड वो क्या करते हैं इस तरीके से चेक करते हैं एलईडी को इस तरीके से। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, एंड इस तरीके से फिर उल्टा करके एलईडी को चेक करते हैं। ओके, तो जैसे कि ये इस तरीके से अगर ख़राब होगी तो फिर उस जो एलईडी ख़राब होगी, जो जल नहीं रही है, उस एलईडी को वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको इसे जला के दिखाता हूँ, वैसे नहीं जली, तो अब वो अपोजिट में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहेंगे एलईडी, तो ये वाली सही, जो ख़राब होगी तो उसमें वो लगा देते हैं ये वाली एलईडी, या तो बटन एलईडी लगाते हैं या तो सिंपल वाली मटका एलईडी, इसे मटका एलईडी कहते हैं, वाली एलईडी लगा दी। लेकिन गैस ये अनसक्सेसफुल होते हैं, होता क्या है ये, तो एक दो घंटे या फिर 2-3 दिन चल जाएगा, लेकिन गैस फिर ये बाद में ख़राब हो जाते हैं, दूसरी एलईडीज़ यहाँ पे MCPCB की दूसरी एलईडीज़ ख़राब हो जाती। तो गैस हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर गैस आपकी, जब आप ऐसे चेक करते हो और आपको लगता है कि MCPCB ख़राब है, तो आप एक नई MCPCB ला सकते हैं, जो कि ईजिली आपको 10 से 20 रुपीज़ के बीच में मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। अगर सर्किट ख़राब है तो आप नए सर्किट्स ला सकते हैं जो कि आपको 30 से 40 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएंगी गैस। एंड गैस ये ओरिजिनल सर्किट्स हैं, तो गैस ये मुझे पड़ा है 45 रुपीज़ पर पीस का पड़ा है। अगर आप इसे होलसेल में लेंगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, 35 तक ही आपको पड़ जाएगा। ठीक, तो गैस इसमें जो ये है SMD LED एकदम बिल्कुल ही सही है, MCPC की जो SMD LED है वो बिल्कुल ही सही है। तो हम इसमें बस और बस सर्किट ख़राब है, तो गैस आपको क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट सर्किट को चेंज कर दें। तो गैस मैं सर्किट को चेंज करके बताता हूँ। तो फाइनली मैंने सर्किट चेंज कर लिया है। ओके, एंड अब आपको क्या करना है, सर्किट चेंज कर लिया एंड मैं ये वाले वायर्स कनेक्ट कर दिए, सर्किट मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं इसे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप इजीली, एंड गैस आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका सर्किट सही है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी होल्डर की। और इस तरीके से मैं इसे फिट कर देता हूँ। मैंने होल्डर का प्लग एक्सटेंशन बोर्ड में डायरेक्टली डाल दिया, एंड अभी स्विच ऑफ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सर्किट ख़राब तो आप करंट भी लग सकते हैं। वो आते हैं आपके DC वोल्टेज, तो मैं यहाँ पे से DC वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ, DC 200 पे। आप देख पा रहेंगे, आप बस मल्टीमीटर को देखिए, और यहाँ पे एक इसकी प्रॉप पहले से टूटी हुई है, तो मैं एक इधर में फिट कर देता हूँ। एंड गैस अभी स्विच ऑफ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो वैसे ये इस तरीके से इधर में कनेक्ट हो चुके हैं। एंड गैस अब दूसरा मैं इसमें इधर में लगा देता हूँ। अब जैसे मैं अभी भी गैस, अब मेरे दूर हाथ जो है वो दूर है, ओके, मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि गैस अगर आपका ये देख पा रहे होंगे गैस, यहाँ पे 45 46 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं,
एंड गैस ये वाला आपका प्लस है, ये वाला आपका प्लस है ग्रीन वायर। ओके तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एंड गैस आपको हाथ इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि गैस अगर सर्किट ख़राब हो तो गैस डायरेक्टली एसी करंट भी आ सकता है और आपको झटका भी लग सकता है। तो गैस आप पूरी सेफ्टी का ध्यान रखिए, आपको एकदम मल्टीमीटर से चेक करना है और आपको वायर्स को टच नहीं करना है। अगर अगर सर्किट ख़राब होगा तो आपको झटका भी लग सकता है। तो ये यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो ये SMD LED होती है, जो MCPCB में SMD LED है, ये SMD LED है, ये MCPCB, ये पूरे सर्किट को MCPCB कहते हैं। या तो सिंपली आप डॉप भी लगा सकते हैं, अगर आपको ये SMD LED नहीं मिल रही है, सर्किट ख़राब है या फिर SMD LED ख़राब है तो नहीं मिल रही, तो आप ये डॉप लगा। लेकिन क्या जिसमें क्या होता है कि इसकी रोशनी बहुत ही बेकार होती है। अभी मेरे पास एक डॉप बल्ब है, मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। ये है डॉप बल्ब एंड मैं इसे होल्डर में फिट करता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पे भी टच नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एसी करंट आएगा। मैं इसे प्लग बोर्ड में डाल के स्विच को ऑन करता, तो गैस देख पा रहे होंगे ब्लिंकिंग करते हुए दिखाएगा करंट, लेकिन गैस ये एक्चुअली मैं ब्लिंक नहीं कर रहा। ओके तो गैस इसका मतलब कि इसकी जो रोशनी होती है वो बेकार होती है। बनने के लिए ये भी बन जाएगा और इसे ऐसा भी आप कर सकते हैं, इधर में आप मूव लगा सकते हैं, लेकिन इसकी रोशनी बेकार रह होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली इसे शोल्डरिंग करना है। तो गैस आपको सिंपली क्या करना है, पॉजिटिव में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में नेगेटिव शोल्डरिंग करना है। एंड शोल्डरिंग एकदम अच्छे से करना है आपको, मैं आपको शोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। बता देना चाहता हूँ गाइज कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज जब आप SMD LED लगाएं तो उससे पहले थोड़ा सा आप कॉलगेट लगा ले, या फिर अगर आपके पास थर्मल ग्रीस है तो थर्मल ग्रीस लगा ले। जो SMD LED के पीछे में जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे आप कॉलगेट लगा ले थोड़ा सा, ओके पेस्ट, या फिर थर्मल ग्रीस लगा। उसके बाद आप ये नट बोल्ट्स को टाइट करें। अगर नट बोल्ट टाइट ही हो रहा है, जिसके दम में टाइट नहीं हुआ था नट बोल्ट उस टाइम, तो इजीली आप फैब्रिक से थोड़ा सा पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके तो गाइज अब मैं इसमें शोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ आपको। देख पा रहे होंगे मैंने एकदम इसमें एकदम अच्छे से शोल्डरिंग कर दिया। एंड आपको ये बात का ध्यान रखना है कि दोनों वायर आपस में टच ना हो एंड ये कहीं और पे टच ना हो, एकदम यहाँ पे अपनी ही पॉइंट पे टच हो। एंड गाइज अब आती है बात टेस्टिंग की। तो गाइज मैं इसे वैसे ही जैसे कि हम टेस्ट करते हैं होल्डर में, मैं इसे फिट करता हूँ। एंड गाइज जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, कोई फेक वीडियो नहीं गाइज, और जो ये LED बल्ब जो हमने रिपेयर किया है वो कम से कम आपका 1-2 साल इजीली टिक जाएगा। मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो गैस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लिंकिंग आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, लेकिन गैस ये एक्चुअल में ब्लिंक नहीं हो रहा है, एकदम इसकी ब्राइट एकदम सही रोशनी है डॉब सर्किट के मुताबिक। अभी आप इसकी रोशनी देखिए एंड मैं अब आपको डॉब LED की रोशनी दिखाता हूँ, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितना उस पर डिफ्रेंस है। ये देख पा रही हूँ इतनी कम रोशनी एंड उसकी बहुत ज़्यादा रोशनी, दैट इज़ वाई गाइज मैं डॉप बल्ब नहीं यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आपको दिख पा रही होंगी ज़्यादा ब्राइट है, ओके अगर कैमरे में अगर आपको रोशनी दिख पा रही होंगी। तो गाइज ये हमारा LED बल्ब बन चुका है। अब मैं इसमें इसका डिफ्यूजर लगा देता हूँ। इस तरीके से डिफ्यूजर मैंने लगा दिया। एंड गाइज पिछली वीडियो में हमने बनाया था ये एक माइक जो जिसे कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और जो ये वीडियो वो भी इसी से ही रिकॉर्डिंग है। अगर अभी तक आपको अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये माइक बनाना चाहिए, इसकी जो साउंड है वो बहुत ही मस्त है गाइज, और ये जो वीडियो है ये इसी से रिकॉर्डिंग है। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।